So let us try to understand few things first of all. In chemistry, when I say high concentration, low concentration, what do I mean? अच्छा केमिस्ट्री में हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई सोल्यूशन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है उसका मतलब क्या होता है इन केमिस्ट्री? डू यू हैव एनी आइडिया हाँ पता है। क्या होता है? सपोज दिस इज अ सोल्यूशन, आई से दिस सोल्यूशन इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, दिस सोल्यूशन इज लो कॉन्सेंट्रेटेड. लो कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन. मतलब उस जो सॉल्यूशन रहता है ना पहली उसमें बात तो वाटर हाँ ज्यादा रहता है, लो नहीं 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 कॉन्सेंट्रेटेड। बच्चा सोल्यूशन देख, सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज नथिंग बट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अपने अपने सिलेबस में बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन. सॉल्यूट ज्यादा रहता है लो कॉन्सेंट्रेशन। आ, 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 अच्छे से बोलो वापस क्या बोल रही है. सॉल्यूट ज्यादा रहता है लो कॉन्सेंट्रेशन। एक्सीलेंट. संसारे तू छा गई है, संसारे छा गई है, संसारे को विश्वविद्या में छा जाएगी. तो बच्चा हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? जिसमें सल्यूट ज्यादा होता है. ऑब्वियसली अगर दोनों का सल्यूशन, ये 100 ग्राम का सल्यूशन है, ये 100 ग्राम का है, दोनों भी 100 ग्राम का है. कोई सल्यूशन हाई कॉन्सेंट्रेटेड है हाँ मतलब सल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है. और लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? सल्यूट कम और सॉल्वेंट. क्लियर है पहले इसका मतलब क्या होता है? फिर बचपन से अपन ने पढ़ते हैं ना ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन. बच्चे जिंदगी भर तक पढ़ते हैं, उनको कोई समझ में नहीं आता ये कुछ तो. हाँ पढ़ा है पैसेज ऑफ वाटर और पैसेज ऑफ कुछ सॉल्यूट सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन. आधी जिंदगी उसमें निकल जाती है. हाई था कि लो था? ये लो था कि हाई था? एग्जाम में फिर कोई हाई लिखता है, कोई लो लिखता है, लो टू हाई लिखता है, फिर क्या पता नहीं फलाना ढिकलाना, फिर जिंदगी खराब. तो बच्चा एक सिंपल चीज है, आज एकदम क्लियरली समझने की ट्राई करेंगे. ये अपने सिलेबस का लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर. और ऑस्मोटिक प्रेशर से मॉलिक्यूलर मास भी निकालेंगे सल्यूट का. तो आज लेक्चर उतने में खत्म हो जाएगा. थियोरटिकल पार्ट है लेकिन उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. और ये होने के बाद खाली एक टॉपिक बाकी रहेगा, वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि सबसे सबका टॉपिक का बाप है. फिर चैप्टर खत्म, फिर बड़ा चैप्टर खत्म हो जाएगा. फिर मे बी विल स्टार्ट विद केमिकल. क्या चाहिए फिर, केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ या फिजिक्स स्टार्ट करूँ? सर फिजिक्स पक्का? चलेगा, कुछ भी चलेगा, दोनों अच्छा ठीक, जैसे बोलो वैसे. भी एक ही है। पॉलीमर्स एक दिन चैलेंज याद है ना, एक दिन में पूरा चैप्टर उड़ाने का है. एक चैप्टर पॉलीमर्स. चल पॉलीमर्स, पर सर वो इजी भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। ठीक पॉलीमर्स डन, पॉलीमर्स डन. है चलेगा। हाँ ओके तो बेटा ये नोट डाउन कर ले, इतना इतना नोट डाउन कर लिया. वो उतना लिख दिया। अब बच्चा समझने की ट्राई करते हैं ये सब मैं क्या बोल रहा था. हाई कॉन्सेंट्रेशन ये बात इंपॉर्टेंट है, ये जो बेसिक था बस इतना काम में आएगा तेरे को, बस इतना मालूम होना चाहिए. बाकी तो बस अभी आज का टॉपिक है थियोरटिकल है, कंसेप्चुअल थोड़ा सा है लेकिन मजेदार है. चलो स्टार्ट करते हैं. बच्चा कभी सुना है तूने डिफ्यूजन के बारे में? हाँ सुना है, डिफ्यूज क्या होता है डिफ्यूजन? ऑस्मोसिस अपना सिलेबस का टॉपिक है लेकिन होता उसके है। लिए डिफ्यूजन पढ़ना जरूरी है. डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ, लिख रही है तू, हाँ लिख रही हूँ ना मैं। एनी सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ, बोर्ड दिख रहा है बराबर से, फ्रॉम सब बराबर दिख रहा है। रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम, लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा. इसका एग्जांपल लेते हैं. चल बच्चा समझ, एक सॉल्यूशन है और लेट्स से इसका कॉन्सेंट्रेशन है कुछ तो भी, और इसके बीच में ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. या सपोज फॉर एग्जांपल पहले अपन डिफ्यूजन की बात करते हैं. चल पहले मैं डिफ्यूजन पढ़ा, ये मैंने बता दिया तो मैं डिफ्यूजन पढ़ाता हूँ पहले. तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, लेट्स से सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन है यहाँ पर, सॉल्यूशन कोई एक सॉल्यूशन है यहाँ पर, दूसरा सॉल्यूशन है. और लेट्स से मैं बोल रहा हूँ इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है,
जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब क्या, मतलब सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम, और यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा। तो बच्चा बता मेरे को क्या होगा, डिफ्यूजन किधर से किधर होगा, फ्लो किधर से किधर होगा, हाई टू लो, बराबर के नहीं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हाई टू लो तो होता ही है, लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स लो टू हाई भी जाते हैं, लेकिन हाई टू लो ज्यादा होता है तो हम बोलेंगे नेट मूवमेंट। तू तेरे फ्रेंड के घर पे भी जाती है, तेरी फ्रेंड तेरे घर पे भी आती है, दोनों चीज होती है, लेकिन तू तेरे फ्रेंड के घर पे ज्यादा जाती है, तो नेट मूवमेंट क्या है, तू ज्यादा जाती है। जब जब फिर जब झगड़ा होगा फिर तू यही बोलेगी, मैं तेरे घर पे ज्यादा आती थी, आई गेव मोर टाइम एंड यू विडंट गिव मी टाइम, है ना। तो नेट क्या होता है, आखिर पूरा सम, उसने भी तेरे लिए जिंदगी में कुछ किया होगा, तूने भी उसके लिए जिंदगी में कुछ किया होगा, लेकिन नेट क्या है, नहीं मैंने किया है, बराबर के नहीं, मैं बड़ी मैंने किया है। ओके तो बच्चा ये हो गया डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कब तक होगा, जब तक कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो। एक्चुअल में क्या होता है, इधर से भी इधर मूवमेंट होता है, इधर से भी उधर, दोनों बाजू मूवमेंट होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा किधर से होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये समझ गया तेरे को तो नेक्स्ट टॉपिक, इतना क्लियर है, ये सिलेबस में नहीं है, बट यू शुड नो दिस, क्लियर है, इतना ये लिख मत, ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आप क्या आएगा, लेट्स से ऑन है वीडियो, क्या क्या हो गया आपको नहीं सर पापा, अच्छा मैं लगा दूँ, देख बेटा बंदा सा डायग्राम एज यूजुअल, मेरे से बड़ा स्टार्ट कोई नहीं दुनिया में, आर्टिस्ट है सर मैं तो हूँ बाबा, मेरे को देख दुनिया वाले बहुत बोलते हैं कि बंदी ड्राइंग करता है, बट क्या है, अपन जोरदार है। ओके बेटा यहाँ पर अब क्या हो रहा है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, अच्छे से समझने की कोशिश करता है, समझ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तेरे पास है प्योर वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है तेरा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और यहाँ पर तेरा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 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 में दोनों भी होगा, सॉल्यूट भी होगा सॉल्वेंट भी होगा, इतना क्लियर है। और बीच में तेरा है समथिंग कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, सुना है कभी, डू यू नो व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लिख ले बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, सेमी मतलब पार्शियली, परमेबल मतलब अलाउ करना, ठीक है, जैसे अपन अपनी लाइफ में कुछ कुछ लोगों को अलाउ करते हैं, बाकी सबको अपन क्या बोलते हैं, गेट लॉस्ट एग्जिट, वैसे ही ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को आने देगी, बाकी को बोलेगी भागो भाड़ में जाओ। सो बच्चा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा, क्यों, बड़े होते हैं उनके पोर्स अलाउ नहीं कर पाएंगे। फिर आयंस होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होते हैं, उनको भी अलाउ नहीं करेगा, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगा ये, ठीक है, लेकिन ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको अलाउ करेगा, सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, जैसे पानी है, पानी चुपके से चला भी जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा, उल्लू बनाया बराबर, लेकिन सॉल्यूट क्या है, सॉलिड पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल बड़ा है, ठीक है, जाएगा नहीं, आयन से जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, छोटा है निकल जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। जैसे लॉकडाउन चालू है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, वॉचमैन अंकल देखता नहीं है तो चुपचाप से ऊपर चले जाते हैं, बराबर के नहीं, इनको झाड़ा सा आदमी एकदम हाथी जैसा नहीं जा पाएगा बेचारा, है ना, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है।
तो बच्चा यहाँ पर समझने की ट्राई करना, सिंपल चीज है, ठीक। बात क्या करनी है हमको, फ्लो की बात करनी है। तो फ्लो क्या होगा, सिंपल। तो ऑस्मोसिस कंसेप्ट को समझने की ट्राई करना। पहले तो बेटा लिख ले, ऑस्मोसिस में डिक्टेट करता हूँ, लिख ले डेफिनेशन, लिख ले बेटा, मैं ऑस्मोसिस डिस्कस करता डिटेल वो करता हूँ, डिक्टेट करता हूँ, लिख लो। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंटू द सोल्यूशन, द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंटू द सोल्यूशन, इंटू द सोल्यूशन into the solution or from more dilute solution to more concentrated solution or through more dilute solution to more concentrated solution through semi-permeable membrane, through semi-permeable membrane is called osmosis। बच्चा समझने की ट्राई करना, अच्छे से समझने की ट्राई, डेफिनेशन भाड़े में क्या, पहले समझने की ट्राई कर, फिर अपना डेफिनेशन अपना आ जाएगा, कुछ कुछ बड़ी बात नहीं है, सब इजी है। देख यहाँ पर पानी है, तो बच्चा यहाँ पर प्योर वाटर है, सॉल्वेंट है अपना, कोई इश्यू नहीं है, एकदम सिंपल है। तो ऑस्मोसिस क्या है, ये जो प्योर सॉल्वेंट है वहां से मूवमेंट होगा, देख बेटा, तो यहां से मूवमेंट होगा इधर सामने, इस तरफ प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या तो बच्चा प्योर सॉल्वेंट है तो अपन सॉल्यूट कम होगा, सॉल्यूट होगा ही नहीं, कम होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा यहां पर, लो, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहां पर सोल्यूशन है तो सल्यूट भी होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। आवाज आ रही है? तो बच्चा प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है मतलब सल्यूट नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब समझना तू, इस केस में तो कुछ नहीं है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं है और यहां पर कुछ सल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, पैसेज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होंगे, कहां से कहां पे, जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा होगा वहां से वो उधर जाएगा जहां पर सॉल्वेंट कम है, तो यहां पर प्योर वाटर है बेटा, तो यहां पर सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, तो यहां से यहां पे जाएगा सोल्यूशन में, क्योंकि सोल्यूशन में सल्यूट भी है, तो सॉल्वेंट कंपेरेटिवली कम होगा, तो बेटा ऑस्मोसिस का मतलब वही होता है, पैसेज ऑफ वाटर, जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से जहां पर सॉल्वेंट कम है, क्लियर है बच्चा, क्लियर है। और कहां से पास हो रहा है, सेमी परमिएबल में, कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा ना, किधर, फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में, सिंपल सॉल्वेंट की बात करते हैं अपन, कॉन्सेंट्रेशन एक और एग्जांपल ले लूंगा चाहिए तो, लेकिन इस सॉल्यूशन में खाली सॉल्वेंट की बात करते हैं, यहाँ पर प्योर वाटर है तो यहाँ पर सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है बच्चा, यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है कंपेयर टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा कंपेयर टू पहले वाले, कम होगा, तो जहां पे ज्यादा होता है, देख जैसे कि मेरे को थोड़ा सा तेरे से ज्यादा मालूम है, तो मैं तेरे को पहुंचा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन हायर टू लोअर, तो वहां पर वैसे ही सॉल्वेंट यहाँ पर ज्यादा है बच्चा, तो यहां से सॉल्वेंट यहाँ पर जाएगा, बस उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, या तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लो है, कॉन्सेंट्रेशन लो है मतलब सल्यूट कम है, सल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, तो ज्यादा सॉल्वेंट है तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा ना, तो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से भी, क्योंकि बच्चों को लगता है डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन तो कैसे जाएगा, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या, सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, एंड ऑस्मोसिस ऑलवेज अबाउट सॉल्वेंट, व्हाई ऑस्मोसिस इज ऑलवेज अबाउट सॉल्वेंट, क्यू, द रीजन इज बिकॉज सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास होने का बहुत डिफिकल्ट है, सॉल्वेंट पास हो सकता है, सॉल्यूट नहीं पास होगा इजिली, क्लियर है, तो वी टॉक ओनली अबाउट सॉल्वेंट, क्लियर बच्चा, एकदम अच्छे से,
और इसके जैसे क्या होता है सॉलिड मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है, ऑस्मोसिस की वजह से सॉलिड मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है। आई होप ये एकदम अच्छे से क्लियर है तेरा, ऑस्मोसिस क्या होता है। हाँ क्लियर है। सेलोफोन करके, सेलोफोन करके भी एक वो है क्या बोलते हैं उसको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो वो चीज भी याद रखना। अभी ये हो गया तेरा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का कांसेप्ट, सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का तो क्लियर हो गया। ठीक है बढ़िया, अब हम करते हैं थोड़ा सा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, इतना क्लियर ना बच्चा, इतना लिख लिया अच्छे से? हाँ इतना लिख लिया। ओके नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चा ऑस्मोसिस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, वेरी गुड। कैसे हो रहा है ऑस्मोसिस? यहां से यहां पर समझे, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ए है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बी है, तो यहां से यहां पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, यहां पर सॉल्वेंट कम है, बराबर के नहीं? बराबर। अब क्या हो रहा है, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, तो ये मूवमेंट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन पे फ्लो हो रहा है, टेंशन नहीं है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या, तू कुछ प्रेशर लगाएगी सो दैट ऑस्मोसिस रुक जाए। बच्चा समझने की ट्राई करना, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये होता है, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। नाउ ये क्यों करना है बच्चा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है फॉर एग्जांपल, समझ, और यहां पर से कुछ मैं निकाल रहा हूं, चले से कोई प्रेशर है बाहर का, कोई लेट्स से यहां पर कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फॉर एग्जांपल, लेट्स से यहां पर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैंने बताया था ना 1 एटमॉस्फेयर 760 एमएम ओएच जी। अब हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, नॉर्मली क्या हो रहा है, सॉल्वेंट ए से बी में जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस साइड पे, इस साइड पे आई विल डू समथिंग, मेरे में कीड़े अंदर, मैं क्या करूंगा यहां पर पिस्टन लगा दूंगा और बाहर से मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा सो दैट इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे इधर क्या है, इनके पास सॉल्वेंट है, इनके पास सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, यहां से यहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहे हैं, लेकिन मैं प्रेशर दूंगा यहां से, मैं पिस्टन से प्रेशर दूंगा सॉल्यूशन में सो दैट ये आए ही ना, तो जिस प्रेशर पे सॉल्वेंट आना बंद हो जाएगा उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है कि नहीं? सिंपली मैं स्टॉप कर रहा हूं, मैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर रहा हूं, मेरे को नहीं चाहिए ऑस्मोसिस। क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर। आर यू श्योर अबाउट इट? यस आई एम श्योर। ओके सो ये हो गया अपना ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका डेफिनेशन एकदम क्लियर दिया नहीं है बुक में, सो या इतना इनफ है अभी के लिए फिलहाल, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इतना कंसेप्चुअल मालूम होना। हां कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है पाई, ओके ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है पाई, याद रखना, तो ये नोट डाउन कर ले बच्चा, इतना नोट डाउन कर ले, तो इतना लिख ले, सिर्फ इतना लिख ले, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड, कैन बी स्टॉप्ड, द नेट मूवमेंट ऑफ, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, यहां से यहां पे जा रहा था ना, इट कैन बी स्टॉप्ड, ये रोका जा सकता है, इसको हम रोक सकते हैं, इट कैन बी स्टॉप, एंड कैसे स्टॉप करेंगे, खुद से स्टॉप होगा, मैं बोलूंगा ये स्टॉप हो जा, अरे भाई ये स्टॉप होना, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, तो वी हैव टू अप्लाई प्रेशर, ये सुनता नहीं है ना, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नहीं है उसका मन हुआ, देखो ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस है, हायर कौन सा, यहाँ पर क्या है सॉलिड मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो अपना आप जाएगा वो, कोई टेंशन नहीं है, बराबर के नहीं, बराबर के नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्स्ट्रा प्रेशर, द एक्स्ट्रा प्रेशर जिसके वजह से ऑस्मोसिस रुक जाता है, जिसके वजह से ऑस्मोसिस रुक जाता है।